सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं लाइक like कोई कंपिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की या स्टडी रिलेटेड लेकिन जब आगे मूव करते हैं तो कोई भी हमारा वीक एरिया होता है या कंपटीशन देखता है तो डर लगता है कि और लोग हमसे बेटर हैं या हम नहीं अचीव कर पाएंगे तो उस चीज़ को कैसे बीट करके अल्टीमेट गोल तक पहुँचना है गुड क्वेश्चन कितने चाहते हैं इसका आंसर दे हाँ सब चाहते हैं पहली बात तो ये है कि आ... मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये मत सोचो दूसरे क्या कर रहे हैं हो सकता है मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग हो क्योंकि मैं ये कहता हूँ अगर आप आई टी जे नीट की या किसी भी कॉम्पिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता आप कितनी मेहनत कर रहे हो वहाँ ये मायने भी रखता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है तो इसका मैं एक छोटा सा रूल बनाता था अपने लिए बड़ा सिंपल रूल है कि अलग तुम जब अगले दस मिनट नहीं पढ़ रहे हो ना तो इंडिया के सौ बच्चे तुमसे आगे निकल रहे हैं फिर दस मिनट नहीं पढ़े सौ बच्चे और आगे दस मिनट नहीं सौ बच्चे और आगे तो मैं इस चीज का ट्रैक रखता था जो आप कह रहे हो ना कि आपको एंड गोल तक पहुंचना है ना तो बेटा एंड गोल ऐसा नहीं है कि एक लास्ट डेस्टिनेशन आपने फिक्स कर ली और आप चल दिए हो जैसे मान लो अगर आपको सपोज कर लो आपको खाना बनाना है और टेस्टी पनीर की सब्जी खानी है तो जिस टाइम आप प्याज काट रहे हो उस टाइम प्याज काटने के बारे में ही सोचोगे ना है ना उस टाइम नहीं सोचोगे पड़ोसी घर में क्या बन रहा है आपको अपनी सब्जी सबसे टेस्टी बनानी रहती है फिर प्याज को एकदम बारीकी से काटा अपने हिसाब से बेस्ट काटा उसके बाद क्या किया आपने आलू को काटा आलू काटते वक्त प्याज काटने बारे में नहीं सोच रहे आगे की पनीर के बारे में सोच रहे फिर पनीर को करते वक्त और कोई चीज नहीं सोच रहे हाँ पर पूरे टाइम दिमाग में ये है कि सब्जी अपनी सबसे बेस्ट बनी ये पूरे टाइम चलता है पर हर स्टेप को अपने आप में अलग रखना चाहिए तो स्टेप बाई प्रोसेस को ब्रेक करो और दूसरों वाले में यही है कि जब भी तुम अपना दस पंद्रह मिनट वेस्ट करो तो खुद को सजा दो बोलो यार क्या कर रहा है यार तू एक रूल बना लो अपना कि हर दस मिनट जब वेस्ट कर रहे हैं सौ बच्चा अपन से आगे निकल रहा है एक्सीलेंट आंसर प्लीज बहुत बढ़िया